तो देखो आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अपने कम्बिनेशन में अच्छा अच्छा कैरेक्टर तो यूज करते हो लेकिन उस कैरेक्टर के साथ कौन सा पेट यूज करना चाहिए वो नहीं जानते हो। पहले मैं भी ऐसा करता था लेकिन अब नहीं। अगर कैरेक्टर के साथ एक अच्छा यूजफुल पेट यूज करते हो देन तुम ऑलवेज एडवांटेज में रहोगे और किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हो। सो वेलकम बैक गाइज, मैं हूँ अकवाई से, स्वागत करता हूँ एक फ्रेश वीडियो में। तो इस फ्री फायर में बहुत सारा कैरेक्टर है और बहुत सारा पेट भी है, इनमें से कौन सा पेट को किस कैरेक्टर के साथ यूज करना चाहिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं कुछ कैरेक्टर और पेट का तगड़ा कम्बिनेशन बताऊंगा। नंबर वन, अगर तुम अपने कम्बिनेशन में ये तीन कैरेक्टर को यूज करते हो, ओरियन, के कैरेक्टर एंड जस्टिन बीबर, देन तुम्हें इनके साथ कैक्टस पेट को जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों कैरेक्टर है इनको चाहिए ईपी। लेकिन इनमें से के कैरेक्टर अपने आप ईपी जनरेट कर लेता है, बट ओरियन एंड जस्टिन बीबर को ईपी चाहिए ही चाहिए, तभी इनका स्किल वर्क करेगा वरना नहीं करेगा। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है कैक्टस पेट को यूज कर लो। इसका एबिलिटी है, अगर तुम्हारा कैरेक्टर 6 सेकंड तक एक जगह कांस्टेंट खड़ा रहता है देन तुमको मिलेगा 100 ईपी। तो याद रहे 6 सेकंड तक होल्ड करना है, देन 100 ईपी होने के बाद जाके तुम्हें वहां से हिलना है। और अगर एनिमी आ जाए तो कृपया करके वहां से भाग जाना, मैं बोला हूँ खड़ा रहने के लिए तो मत खड़ा रहना वरना वो तुमको मार के चला जाएगा। सो गाइस ओरियन के साथ कैक्टस पेट को यूज करो, 100 ईपी मिल जाएगा और ऐसे भी दो मशरूम मिल जाता है क्लास कोड में, तो टोटल 300 ईपी आराम से हो जाएगा, दो बार ओरियन का स्किल को यूज कर सकते हो। और जस्टिन बीबर कैरेक्टर के लिए भी ये पेट बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर ईपी होगा तभी ना डैमेज कम लगेगा, ईपी लॉस होगा, एचपी लॉस नहीं होगा। और अगर कैक्टस पेट को के कैरेक्टर के साथ यूज करते हो देन के कैरेक्टर और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा पहले से और फास्ट एचपी रिकवर करेगा। के का स्किल को ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं है, बस ऑन करके छोड़ दो, क्योंकि ईपी कैक्टस पेट देगा और ईपी को एचपी में कन्वर्ट करेगा के कैरेक्टर। तो ये था पहला कैरेक्टर एंड पेट का जोड़ी। देन नेक्स्ट नंबर टू, अगर तुम मारो, सुजी, आयरिस ये तीन कैरेक्टर में से किसी को भी यूज करते हो देन उसके साथ ड्रिकी पेट को जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ड्रिकी पेट ओपोनेंट एनिमी के ऊपर मार्किंग शो करती है, जो एनिमी मेडिकिट यूज करता होगा उसके ऊपर मार्क शो करेगा और एक साथ चारों ओपोनेंट के ऊपर टैग शो करेगा। तो अगर तुम मारो को यूज करके टैग एनिमी को डैमेज देते हो देन 28.5% एक्स्ट्रा डैमेज देगा, और अगर तुम सुजी कैरेक्टर को यूज करके मार्क एनिमी को एलिमिनेट करते हो देन 300 FF कॉइन मिलेगा। और अगर ग्लूअल के उस पर एनिमी मेडिकेट यूज कर रहा होगा देन ड्रिकी टैग शो करेगा और आयरिस ग्लूअल को पेनिट्रेट करके एनिमी को डैमेज दे सकती है। सो गाइस ये था एक और कैरेक्टर एंड पेट का जोड़ी। देन नंबर 3, अल्वारो, मोको, सिरू, नायरी, अगर ये चार कैरेक्टर को यूज करते हो देन इनके साथ पेट में बिस्टन को जरूर यूज कर लेना, क्योंकि बिस्टन थ्रोइंग डिस्टेंस को 30% इंक्रीज करता है। ग्लूअल, ग्रेनेड, फ्लैशबैंक और कुछ भी थ्रोइंग आइटम हो चलेगा। जैसे कि अल्वारो ग्रेनेड का डैमेज को इंक्रीज करता है और अगर हम अल्वारो के साथ बिस्टन को यूज करते हैं देन डैमेज के साथ साथ थ्रोइंग डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। एनिमी सरप्राइज हो जाएगा, इतना दूर से ग्रेनेड कैसे आया। और अगर तुम्हें ग्रेनेड से बचना है देन येटी पेट को यूज कर लो, 30% एक्सप्लोसिव डैमेज को रिड्यूस करती है। एंड मोको एंड सिरू के साथ बहुत बार ये होता है कि एनिमी के ऊपर टैग शो करता है लेकिन एनिमी छुप जाता है या फिर थोड़ा डिस्टेंस में रहता है। तो अगर तुम बिस्टन पेट को यूज करते हो देन लॉन्ग डिस्टेंस से एनिमी को आराम से ग्रेनेड करके नॉक कर सकते हो या फिर फ्लैशबैंग फेंक सकते हो या फिर ग्लूअल से ब्लॉक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड नायरी कैरेक्टर का थोड़ा अलग सीन है, इसको तुम ग्लूअल स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हो। नायरी का वॉल इतना जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और अगर तुम बिस्टन पेट को यूज करते हो नायरी कैरेक्टर के साथ देन तुम लॉन्ग डिस्टेंस में ग्लूअल लगा सकते हो, ये एक बेनिफिट मिलता है। देन नंबर 4, क्रोनो एंड तासो कैरेक्टर, इन दोनों का कुलडाउन टाइम थोड़ा ज्यादा है। क्रोनो 110 सेकंड का टाइम लेता है कुलडाउन होने के लिए एंड तासुआ का स्किल को 3 बार यूज कर सकते हो और 1 बार कुलडाउन होने के लिए 45 सेकंड लेता है और 3 बार स्किल को कुलडाउन होने के लिए 135 सेकंड चाहिए। तो कुलडाउन टाइमिंग को कम करने के लिए हम एक पेट यूज करेंगे जिसका नाम है रॉकी पेट, जो 15% कुलडाउन टाइमिंग कम करता है ओनली एक्टिव स्किल कैरेक्टर का। ओके, देन नंबर 5, अगर तुम ये दो कैरेक्टर से परेशान हो, मोको एंड सिरू, जो टैग शो करता है कहीं भी छुप जाओ टैग के चलते तुम मर जाते हो, देन ये टाइगर वाला पेट को यूज कर लो, मार्किंग का ड्यूरेशन 50% कम हो जाएगा। अब मुझे खोज के दिखाओ। एंड लास्ट, अगर तुम क्लू कैरेक्टर को यूज करते हो देन इसके साथ हुट पेट को जरूर यूज करना, क्योंकि ये क्या करेगा, क्लू का स्कैनिंग डिस्टेंस को 10 मीटर इंक्रीज करेगा, 65 मीटर से 75 मीटर हो जाएगा एंड ड्यूरेशन 2.5 सेकंड इंक्रीज करता है। नॉर्मली क्लू का ड्यूरेशन है 10 सेकंड का, लेकिन इस पेट को यूज करने से 12.5 सेकंड का
अच्छा हो जाएगा। ओके सो गाइस ये था कुछ कैरेक्टर एंड पेट का कॉम्बिनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए। अगर तुम्हें आफ्टर अपडेट न्यू सुजी कैरेक्टर के बारे में डिटेल्स में जानना है, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी चाहिए, देन इस वाले वीडियो को देख लो और स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो जल्दी से जाके।